नमस्कार। तो हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड नंबर 5 आ चुका है और इस वीडियो के अंदर अपन उसी के ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। नंबर 1, ग्रीन्स और क्रिस्टन कॉल भले ही खुशी के अंदर आकर मेलस का सर लेके पूरे किंग्स लैंडिंग में घूम रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम देखो तो नॉर्मल जनता के रिएक्शन बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक ही बंदी का रिएक्शन देख के लगता है कि हाँ, इसको देख के ये थोड़ी सरप्राइज हो गई है, जबकि ये लड़की तो उस मेलस को देखकर अपने पैरों को थोड़ा झुकाती भी है, जो कि एक रेस्पेक्ट का साइन है। सीजन 1 के अंदर यही वो ड्रैगन था जिसने बहुत सारे लोगों को ड्रैगन पिट के अंदर मार दिया था, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसके रेस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2, यहाँ पर हम कुछ हाउसेस को देख सकते हैं जिनके नाम कुछ ऐसे हैं, रोबसे, डार्कलिन, स्टॉकवर्थी। ये क्राउनलैंड्स के वही सारे हाउसेस हैं जिनको क्रिस्टन कॉल ने या तो हरा के या फिर डरा के अपनी तरफ किया है। नंबर 3, ये शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, हेलेना के कपड़ों का कलर ग्रीन की बजाय ब्लैक से, जबकि बाकी सारे ग्रीन्स फैक्शन के जो लोग होते हैं उनके कपड़ों का कलर हमेशा ग्रीन होता है, तो यहाँ पर उसने ब्लैक। परंतु जैसा हमें पता है, हेलेना का बेटा मर चुका है, तो शायद उसके शोक के अंदर इसने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं। अगर तुम्हें पता होता तो शोक के अंदर टारगेरियंस लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं। नंबर 4, यहाँ पे हम कुछ साइलेंट सिस्टर्स को देखते हैं। इनको स्ट्रेंजर गॉड की पत्नी कहा जाता है। वेस्टरोस के अंदर इनकी तरफ देखना भी एक अपशुकन माना जाता है। यहाँ पे अपने एगोन भैया की हालत पहले से इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी कि लोगों को लगा ये मरने वाला है, इसलिए पहले से साइलेंट सिस्टर की व्यवस्था कर रखी है, परंतु शायद लॉन्ग लिव द किंग। नंबर 5, हमें पता चलता है जहाँ पर पूरे वेस्टरोस के अंदर तलवारें भी वैलेरियन स्टील की बड़ी मुश्किल से मिलती है, वहाँ पर एगोन भैया ने पूरा का पूरा आर्मर पहन रखा है। मतलब तुम समझ रहे हो कोई बंदा कितनी महंगी चीज़ यूज़ कर रहा है, और हो भी क्यों नहीं, ये वेस्टरोस के राजा जो हैं। परंतु इसके स्किन से जो आर्मर हटाने वाला सीन है, इसको देख के मेरे को जीओटी की याद आ गई थी। उसके अंदर भी सेम जोरा मोमेंट के साथ में हुआ था, परंतु वो थोड़ी अलग बीमारी वाला केस था। ईस्टर एग नंबर 6, यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ एक मास्टर कुछ तैयार कर रहा है। ये असल में कैबेज है, यानी कि गोभी। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि गोभी लगाने से जो घाव होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है और उसके वहाँ पे ज़्यादा सूजन नहीं होती है, तो ये गोभी तैयार करने का रीज़न ये है असल में। नंबर 7, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टन कॉल अपनी तलवार के ऊपर नींबू रगड़ रहा है। ये सीन हमको मेटाफोरिकली बताता है कि जहाँ पर पूरे किंग्स लैंडिंग के अंदर खाने पीने की कमी हो रही है, वहीं पे क्रिस्टन कॉल जैसे बड़े लोग नींबू के साथ में अपनी तलवारों को चमका रहे हैं। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि उसकी तलवार पर खून लगा हुआ होता है, तो ये उससे हटा रहा होता है। नींबू से साफ करने का एक रीज़न होता है कि रस्ट नहीं लगती है। इसके अलावा अगर तुम किसी पत्थर से अपनी तलवार को शार्प करने की कोशिश करोगे तो उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे, लेकिन नींबू से नहीं आते हैं, इसीलिए नाइट्स अपनी तलवार को चमकाने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, यहाँ पे रेनिरा बोलती है क्रोकस पॉइंट और मैदन पुल, वहाँ पे हमें लोगों को तैयार करना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि हेरन होल जाने से पहले अगर क्रिस्टन कॉल के बीच में कोई एक बड़ा सा किला आता है जहाँ पे थोड़ी फाइट हो सकती है, तो वो है मैदन पुल, इसलिए वो एक बेस बन सकता है ब्लैक्स का। यूं करके रेनिरा उसको तैयार करना चाहती है। नंबर 9, यहाँ पे अगर इस तरफ से देखते हैं तो लगता है कि डेमन का ड्रैगन कैरेक्सिस अब इन सबको ब्रेकेंस वालों को जलाने वाला है, लेकिन असल में ऐसा करता नहीं है। परंतु शायद ये तुमने मिस कर दिया होगा कि पीछे की तरफ ही स्टोनहेंज का किला दिखा रखा है, जो कि ब्रेकेंस का है। नंबर 10, वेल ऑफ एरे। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर कैटलिन की बहन लाइना एरेन यहीं पर रहती थी। लास्ट टाइम लिटिल फिंगर और सांसा स्टार को अपन ने सीजन 7 के अंदर वेल ऑफ एरे में देखा था। यहाँ पे जो जेन एरेन डायलॉगबाजी कर रही है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी आर्मीज आ गई लेकिन ब्लडी गेट को पार्क नहीं कर पाई, यहाँ पे आके सारी की सारी धराशायी हो जाती है, तो ये असल में बुक्स के अंदर इस बंदी को डायलॉग नहीं मार रही होती है। ये असल में जेके सोलन जब नॉर्थ का मिशन लेके नहीं आता है और उनको अपनी साइड में मिलाने के लिए, तो जेन एरेन तब उसको इसके बारे में बताती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इसने ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे हैं, जो कि ब्लू कलर इनके सीगल के अंदर भी है। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो सारे के सारे हाउसेज जो अपने हाउस का कलर होता है उसी के कपड़े पहनते हैं। नंबर 11, जेन एरेन यहाँ पे बोलती है कि कोई भी सेना आ गई तो ब्लडी गेट को पार नहीं कर सकती, लेकिन अगर आसमान से कोई आ गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ये बंदी भी वगार को लेकर डरी हुई है। खास बात यहाँ पर यह है कि वेल ऑफ एरे के अंदर वगार पहले भी आ चुका है, और वो लगभग 10-15 साल पहले नहीं, 130 साल पहले। वह यूँ होता है कि वेसेनिया जब एगोन कॉन्क्वेस्ट का टाइम होता है, वेल ऑफ एरे को अपनी तरफ मिलाना होता है, तब यहाँ पे आती है। वो ये गेटवेट खुलवा के नहीं आती है, डायरेक्ट आसमान से एंट्री मारती है। अब उस टाइम पर तो सारे के सारे किंगडम्स अलग अलग होते हैं, तो यहाँ का जो किंग होता है वो छोटा सा रोनल एरेन होता है। वो इतना छोटा होता है कि उसकी माँ शेर एरेन चला रही होती है ये पूरा यहाँ का राजकाज। परंतु फिर यहाँ पे एक डील होती है कि रोनल एरे जो छोटा सा बच्चा है उसको लेके विसेनिया 2-3 राउंड काटती है यहाँ पे अपने ड्रैगन पे बिठा के। उसके बाद में वो जब बैठता है तब तो किंग होता है, लेकिन जब उतरता है तब वो लॉर्ड बन जाता है, यानी कि वेल ऑफ एरे सबमिट कर देता है एगोन टारगेरियन के सामने। इसीलिए इंट्रो के अंदर तुम देखो तो ये जो बड़ी सी लेडी है वो इसकी माँ, और आगे की साइड में एक छोटा सा बच्चा है वही लॉर्ड ऑफ एरे है उस टाइम का, एगोन कॉन्क्वेस्ट के टाइम का। ईस्टर एग नंबर 12, यहाँ पर रेनिरा मैसेरिया को बोलती है कि मेरे पिता ने मुझे कप बियरर तो बना दिया, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी राजनीति की, लेकिन लड़ना नहीं सिखाया। हिल्ट और फेबल के बीच में कितना डिफरेंस होता है मुझे नहीं पता।
तो एक्चुअली रेनिरा को सारे हाउसेज, उनके सीगल, उनके वर्ड्स, जो कि अगर तुम किसी बड़े हाउस से बिलोंग करते हो तो वो सारी चीज़ें सीखना जरूरी होती है, वो सब रेनिरा को अच्छे से पता है, लेकिन उसको लड़ाई के बारे में नहीं ज्ञात है। सेम चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो डेमन टारगेरियन शो के अंदर कई बार कंफ्यूज हो जाता है ब्लैकवुड्स और ब्रेकेंस के बीच में, तो समझ सकते हो कि डेमन एक कमजोर स्टूडेंट था हिस्ट्री का, उसने ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं किया, लेकिन वो लड़ने में काफ़ी तेज है। और यहाँ पे जो रेनिरा हिल्ट और फेवल बोल रही है, इसका मतलब होता है कि ये जो तलवार नहीं होती है उसका हाथ वाला जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसको हिल्ट बोला जाता है, और आगे की तरफ से जो नुकीला हिस्सा होता है बिल्कुल पॉइंट वाला उसको फेवल बोला जाता है। इसके बीच में कितना डिफरेंस है वो रेनिरा को नहीं पता, मतलब कि ऑफकोर्स वो एक लेडी है तो उसको लड़ना नहीं आता है, परंतु फिर भी उसको तलवार के हिस्सों के नाम पता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ईस्टर एग नंबर 13, यहाँ पर हमको इनकी बातों से पता चलता है कि किसी के पास में ड्रैगन कैसे मिलता है। डेमन की माँ होती है एलेसा टारगेरियन, उनके पास में उनका ड्रैगन होता है जिसका नाम होता है मेलेस, जिसको तुमने शो में रेनस को उड़ाते हुए देखा है। और जो रेनस के पिताजी है उनके पास में ड्रैगन होता है कैरेक्सिस, जो कि आगे जाके डेमन को मिल जाता है। तो कोई भी ड्रैगन ऐसे नहीं होता है कि पिताजी या माताजी के बाद में उनके पुत्र या पुत्री को मिलेगा, कभी भी कोई भी क्लेम कर देता है और बीच में ले लेता है। जैसे कि लाइना वलोरियन के बाद में वैसे तो उसकी बेटियों को मिलना चाहिए था उसका ड्रैगन वगैरह, लेकिन एमेंड द वन आई ये बंदा थोड़ा तेज पढ़ के लेके आ जाता है। तो ड्रैगन्स कोई उत्तराधिकार वाली चीज़ नहीं है, जो पिता या माता के बाद में उसी को मिलने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमन टारगेरियन अपने सपनों के अंदर किसी के साथ में इश्क लड़ा रहा है, लेकिन लास्ट में वो औरत बोलती है माई फेवरेट सेकेंड चाइल्ड, जिससे अगर तुम पता चला हो तो ये बंदी दरअसल डेमन की माँ ही है। और पता नहीं इतना खराब सीन बनाने का इन HP वालों को कौन सा शौक चढ़ गया था, कौन सा गांजा फूक रखा था। पिछले स्टोरी में अपन ने बात नहीं की जो डेमन की माँ होती है जिनके पास में मेलेस ड्रैगन होता है उनका नाम होता है एलेसा टारगेरियन। डेमन टारगेरियन के पैदा होने के 2 साल के बाद में वो अगेन अपने लेबर पेन के अंदर होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम होता है एगोन टारगेरियन। तुम्हें पता हो तो डेमन का एक और भाई भी होता है छोटा वाला एगोन, उसी को जन्म देते हुए इसकी माँ ये एलिसा टारगेरियन होती है वो मर जाती है, और जो एगोन टारगेरियन होता है इसका छोटा भाई वो 6 महीनों के बाद में मर जाता है। HBO वालों ने पता नहीं कौन सा नशा कर रखा था जो ये वाला सीन दिखा दिया। चलो इसको छोड़ते हैं और एक्स्ट्रा एक नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो डेमन खाना खा रहा है उसके अंदर से खून टपक रहा है, जब खाना सही से पकाया नहीं जाता है तो उसके अंदर थोड़ा खून रह जाता है। और साइमन स्ट्रॉन्ग अपन को इसी सीजन के अंदर बताता है कि यहाँ पर हेरनोल में आग सही से जलती नहीं है, बहुत मुश्किल से आग जलती है, तो यही कुछ रीजन की वजह से इस खाने के अंदर से खून टपक रहा है। स्टोरी एक नंबर 16, यहाँ पे ग्रिन्स की काउंसिल चल रही होती है और एक मुद्दा उठता है कि आखिर जो ब्लॉकेज कर रखा है उसकी वजह से खाने पानी की कमी हो गई है पूरी किंग्स लैंडिंग के अंदर। प्रिंस रिएजेंट एमंड द वन आई वो आइडिया देता है कि सारे के सारे गेटों को बंद कर दो। ये थोड़ा अजीब है पर अच्छी बात ये है कि अगर तुम्हें याद हो तो गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर भी सर्सी ऐसा ही करती है। एक्चुअली में एमंड ऐसा करके ये करना चाह रहा है कि सारे के सारे लोग जब अंदर ही रहेंगे तो रेनिरा अटैक नहीं कर सकती है। अगर वो यहाँ पे आ गए अपने ड्रैगन्स को ले गए और आग बरसाने लगी तो लोग भी मरेंगे, और रेनिरा कभी भी नहीं चाहेगी लोग मरें, और फिर उसको लोग कैसे पसंद करेंगे, उसको राज करना है पूरा यहाँ पे, तो ये सब कैसे पॉसिबल है। तो एमन टारगेरियन इन सबको यहाँ पर रख के ह्यूमन शील्ड के रूप में उनको यूज़ करना चाह रहा है। ईस्टर एग नंबर 17, यहाँ पर डेमन जैसे एक लकड़ी को काटता है फिक्स उसी समय पर एक औरत के रोड़ने की जोर जोर से या फिर चिल्लाने की आवाज़ आती है। और अगर तुमने ये नोटिस किया हो तो ये आवाज़ सिर्फ डेमन को ही सुनाई दे रही है, किसी और को नहीं, क्योंकि किसी और का ध्यान उस आवाज़ की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। इसी सीन के अंदर अपन दूसरी तरफ देखते हैं कि एलिसन रिवन ऊपर की तरफ है और वो डेमन को देख रही है। ये जो चिल्लाने की आवाज़ है ये वो ब्रेकन, वहाँ पे जो ब्लैकवुड्स डेमन के कहने पर ब्रेकन्स को मार रहे हैं, उनके लोगों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, ये मेटाफरिकली उसी को बता रखा है। और इस सब के बारे में एलिसन रिवर को पता है, तो वही ये सारी चिल्लाने की आवाज़ है डेमन के कानों तक पहुँचा रही है अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू। स्टोरी एक नंबर 18, यहाँ पे जब डेमन पूछता है तो साइमन स्ट्रॉन्ग बताता है कि अभी आवर ऑफ वल्फ चल रहा है, मतलब कि अगर तुम रात की घड़ी के हिसाब से देखो तो सुबह की 4 बजी होती है। और यहाँ तो मैं भी डेमन के इस बात पे सहमत हूँ कि ये कोई टाइम नहीं होता है किसी अपने सुपीरियर को जगाने का, मतलब 4 बजे इतना जल्दी उठ के क्या करना है। स्टोरी एक नंबर 19, यहाँ पर रेनिरा बुक्स के अंदर विसेन्या और उसके डार्क सिस्टर के बारे में, उसके वगार के बारे में पढ़ रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि विसेन्या की जो तलवार है डार्क सिस्टर वो भी डेमन के पास में है, और उसका ड्रैगन वगार वो एमंड के पास में है। और रेनिरा को दोनों से खतरा है, उसको किसी एक के ऊपर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि एमंड तो वैसे ही ग्रिन्स का उसका दुश्मन है और डेमन उसके लिए काम कर रहा है या फिर खुद के लिए, उसको शक है इस बात पे। तो फाइनल ईस्टर एग नंबर 20, यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइसीरिया किंग्स लैंडिंग के यहाँ पर अपनी दासी एलिंडा को बेचती है। अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये वही बंदी है जो रात को सर्व कर रही होती है रेनिरा को खाना वाना। और अगर तुम्हें पिछला सीजन 1 याद हो तो तुमने यहाँ पर भी इसको देखा था। अब ये किंग्स लैंडिंग में जाके क्या करेगी, किससे मिलेगी, ये तो अपन को शो में आगे पता चलेगा। अब ये तो शो के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।